आज है मंडे, आज है 9 अगस्त। अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हूँ, अभी निकल जाती हूँ। 7 नहीं बजा है, निकल जाती हूँ। 7 बजे तक पहुँचना है, ठीक है? बाद में मिलते हो आप लोगों से। ओके फ्रेंड्स, अभी जस्ट घर आई हूँ। अभी क्लास लेना है। अभी बज रहा है 10:48, मतलब 11:45 ही बज गया है अभी। तो थोड़ा अभी रेस्ट लेती हूँ, थोड़ा पानी पीती हूँ, इसके बाद क्लास लूँगी। अभी चेंज और नहीं करूँगी, ऐसे ही क्लास ले लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। तो आज है 10th अगस्त, आज है ट्यूसडे। तो बस अभी सुबह सुबह नहा चुकी हूँ, फ्रेश व्रेश हो चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ। अभी चाय वाय नहीं पिया, ब्रेकफास्ट नहीं किया। हबी को भी उठा रही हूँ कि उठ जाओ, बेटू भी मेरा सो रहा है, तो ये लोग उठ जाएंगे तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे। फिर तो एज यूजुअल क्लास है, सब कुछ है। लंच बना चुकी हूँ, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है लंच बनाने का। बस चावल हबी बना लेंगे, क्योंकि हबी इस वीक छुट्टी पर है घर पर, तो हबी चावल चढ़ा देंगे। तो ये है, सब्ज़ी बन चुका है, और सब्ज़ी बनाई हूँ मशरूम की और फिर पनीर की। तो ये है, तो ठीक है। फिर आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। और आज जिनका बर्थडे उन सभी को हैप्पी बर्थडे, जिनका एनिवर्सरी है उन सभी को हैप्पी एनिवर्सरी। और बस जो जो मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर जॉइनिंग शाबोनीज़ वर्ल्ड। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो काइंडली कर दीजिए। और ठीक है, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। आज का ब्रेकफास्ट है ये देखिए, एक बर्गर। बहुत दिनों बाद बनाई, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था और हमें खाने का बहुत मन कर रहा था। तो ये है एक बर्गर, आज का हमारा स्पेशल ब्रेकफास्ट, और साथ में चाय। ओके फ्रेंड्स, अभी जस्ट क्लास खत्म हुआ और मेरा, और ये देखिए मैं क्या खा रही हूँ, कुल्फी। अभी ले आया है अभी कुल्फी, तो कुल्फी के मजे लेती हूँ। क्लास खत्म हो और ऐसे मिल जाए क्लास के बाद, तो माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो ठीक है, आप लोगों से बाद में मिलते हो। बाबू भी खा रहा है। घी यहाँ पे 2.5 किलो घी है, वो भी देसी घी। और ये थैंक यू भैया, अगर आप मेरा व्लॉग देखते हो तो, घोष भैया इनके कलीग है, ऑफिस के है भैया, तो वो भी हमारे बंगाल के, वो घर गए थे। तो वो पिछले साल भी हमें ला के दिए थे देसी घी, एकदम घर की बनी हुई। इतनी अच्छी खुशबू है गाय की घी। एंड ये एक डब्बा है और एक और बड़ा, 2.5 किलो घी है यहाँ पे। और इतनी अच्छी घी है, मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी अच्छी खुशबू है एकदम, ये देखिए। तो ऐसे 3 डब्बे भर के घी है, मतलब ये 1 किलो, ये 1 किलो और ये 2.5, हाफ। तो यहाँ पे 2.5 किलो घी है, 2 ऐसे बड़े बड़े डब्बे घी। अब हमारा चल जाएगा बहुत दिन इससे, बाहर का घी हम नहीं खाए भैया जब तक, पिछले साल भी नहीं, ये इस साल भी इस घी से। और इतनी अच्छी खुशबू है। थैंक यू घोष भैया, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो। भैया आप पिछले साल भी घी ला दिए थे, इस साल भी घी ला दिए हैं। और भैया की पोस्टिंग भी आ गई है, वो अभी चले जाएंगे पोस्टिंग। तो पोस्टिंग जाने से पहले उन्होंने अभी इस बार इतना सा घी, हम पहले बोले थे 1.5 किलो, तो वो बोले नहीं मैं ज़्यादा ही ला के दे देता हूँ, क्योंकि फिर तो और नहीं मिलेगा आपको। वो लोग घर गए थे अभी पोस्टिंग जाने से पहले, तो वो बंगाल से ला दिया है गाय का शुद्ध घी। और इसका स्मेल इतना अच्छा है क्या बताओ, और बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसे बाहर तो ऐसा घी नहीं मिलेगा। तो पिछले साल भी ला दिए थे, इस साल भी ला दिए है। 2.5 किलो घी इस साल हमारा हो जाएगा। बाहर वाला घी हम नहीं खरीदते थे, लास्ट टाइम तो नहीं खरीदे थे, भैया ने ला दिया था, इस बार भी भैया ने ला दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे,
तो अच्छी घी, शुद्ध घी वो ला देते हैं, घर की बनी हुई घी, तो वही है। ठीक है भैया, आपको वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू। ये देखिए पानी पूरी लिया, अभी बहुत दिन हो गए थे खाए और मन कर रहा था बहुत खाने का। अभी 3:30 बज रहा है लेकिन खाऊंगी। इवनिंग स्नैक्स, चिकन पॉपकॉर्न फ्राई किया, चाय, और ये यहाँ पे 2 बन थे, इसमें चीज़ और सॉस और ओरिगेनो डाल दिया। कैसा है? इधर देख के बोलो। अच्छा लगा? अच्छा। उसी कार्ड को अभी फिर से बना रही हूँ, उसी कार्ड को ऐसे मैंने अंदर इसका येलो कलर था उसी को ऐसे घुमा दिया है, अभी इसको फिर से ठीक कर रही हूँ। पहला कार्ड उनको पसंद नहीं आया तो उसको अभी दूसरे तरफ से, मतलब थोड़ा इसमें इनोवेशन अभी करना चाह रही हूँ, उसको थोड़ा इसको अभी फिर से थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सारे मोतियाँ निकाल दी उस कार्ड के, आपको दिख भी रहा होगा झलक उस कार्ड में ऐसा था ना, वही चीज़ है। देखिए आपको थोड़ा अंदर से दिखाई भी दे रहा है वो नेट नेट, तो इसी को अभी फिर दोबारा रिमॉडलिंग कर रही हूँ। तो अभी कार्ड मेरा पूरा कंप्लीट नहीं है, जब कंप्लीट हो जाएगा दिखाऊंगी आप लोगों को। ये हबी ने अभी बनाया बाबू के लिए, इंडिपेंडेंस डे के लिए तैयारी हो रही है ना बाबा, वीडियो बनाएंगे स्कूल में भेजेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12th of August, अभी अर्ली मॉर्निंग व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। अभी नाश्ता बना के लाई हूँ, देखिए पराठा और आलू की सब्ज़ी, और अभी हम नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद क्लास है, क्लास के बाद मेरा आज स्कूल भी है, तो बहुत हेक्टिक है आज का दिन, तो बाद में मिलती हूँ आप लोगों से।
माय फेवरेट डिश इज डोनट वाले। बाननी को सेजे तवा एगुलो छिलो क्या बोलोगे मैं। अरे इधर देखो ऐसे क्यों कर रहे हो तुम। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13th of August, आज है फ्राइडे। अभी जस्ट फ्री हुई हूँ क्लास लेके और अभी भागे भागे स्कूल जाना है, बहुत सारा काम है। तो अभी बहुत सारा काम है, स्कूल जाना है, अभी इंडिपेंडेंस डे की तैयारी करनी है हम सभी टीचर्स को, तो अभी भागे भागे स्कूल जाऊंगी। तो अभी क्लास से जस्ट फ्री हुई हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। आप सब से मैं बाद में मिलूंगी। अच्छे से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, वीडियोज बनाई हूँ लेकिन डालने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ज़रूर व्लॉग्स दूंगी जल्दी। तो ठीक है, आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। आज जिनका बर्थडे है उन सभी को हैप्पी बर्थडे, जिनका एनिवर्सरी है उन सभी को हैप्पी एनिवर्सरी। ओके, फिर बाद में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी स्कूल से जस्ट आई हूँ, अभी नहा के आई, आके अभी बैठी हूँ, थोड़ा ठंडा हवा अभी लेती हूँ, थोड़ा मज़े हवा के। और अभी बज रहा है 5:39। तो बस सुबह से क्लास लिया, फिर भागे भागे स्कूल गई, काम हुआ, फिर अभी आ गई 5:39। अभी फिर कल जाना है, कल सैटरडे भी स्कूल जाना है, संडे भी। तो बस बहुत हेक्टिक लाइफ जा रहा है और क्या बताऊँ, बहुत टायर्ड हूँ। अभी आप लोगों से बाद में बात करूंगी, अभी मेरा बेटू भी सो रहा है तो वही है। ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ। ये कौन है, मम्मा बाबिन बाबून? क्या क्या हुआ? नहीं हो गया। तो विनर नहीं हुए तो इसलिए गुस्सा करने का क्या है? हार जीत तो लगा रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हमेशा तुम ही जीतोगे क्या? बाबिन भी तो विनर हो सकते हैं। तो क्या हुआ? हाँ, वेरी नाइस, गुड जॉब। चलो सभी को गुड नाइट बोल दो। बाय। ओके, ये
इन दोनों का भी ऐसे ही चलता रहेगा, ये लोग गेम खेल रहे हैं तो। और मेरे बाबू को हारना पसंद नहीं, अगर हार जाता है, इसके पापा विन कर जाते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है। अरे थोड़ा बोलने तो दो। तो बस फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे आज ख़त्म करती हूँ, इसको और नहीं खींचूँगी। बहुत दिनों का ब्लॉग, एक मतलब 10 तारीख से लेके आज शायद 13 तारीख तक पूरा चल रहा है, तो बैक टू बैक, तो जितना हो सका उतना ही ब्लॉग बनाई हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, और आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग, इतना शोर मचा रहे क्या बोलूँ, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जितना हो सका मैंने किया है अच्छे से, और काम के बीच में भी इतना भी कर पाऊँगी मैंने नहीं सोचा था। तो ठीक है फिर, गुड नाइट फिर ईच एंड एवरीवन, बाय, टिल देन टेक केयर, एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। ओके बाय, कीप शाइनिंग ब्राइट।